हाँ जी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह पहुंच कहाँ गया। तो सुबह सुबह 6 बजने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँ। स्टेशन पहुंच गया था क्योंकि ड्रॉप करना था मुझे सुबह सुबह, उठा हुआ 4 बजे से, और ट्रेन का अभी तक लापता है ट्रेन। अब ऐसे में भीड़ तो लग नहीं है। अब मैं चला घर, दो दो हेलमेट के वो लेके। अब गवर्नमेंट का ये हाल है कि आप बिना हेलमेट आ ही नहीं सकते। पहले बिना हेलमेट आराम से पटना जाता था, अब खुद के लिए भी लाओ, जिनको लेके आओ उनके लिए भी लेके आओ, बहुत कष्ट है। सुबह सुबह स्टेशन जाना पड़ा, लगभग 4 बजे से ही उठा हुआ हूँ, अभी 6:30 हो गया। सुबह सुबह 25-30 किलोमीटर बाइक चला लिया मैंने, और अभी दिन का बचा ही है क्योंकि अभी और जाना है, 8 बजे तक फिर निकलना है, और फिर कब पता नहीं कब आऊँगा। आज से टाइल्स का भी काम स्टार्ट होने वाला है, तो मतलब कह नहीं सकते कि किस तरीके से इल लगे हुए हैं ज़िंदगी में। और नींद आ रही है मुझे, मैं रात में सोया भी 1 बजे था, तो नींद तो आधा अधूरा ही पूरा हुआ, तो मैं चला कम से कम आधा घंटा सोने, अगर नींद आ जाए तो, नहीं आएगा तो फिर तो क्या कर सकते हैं। तो गुड नाइट, बाय बाय, गुड मॉर्निंग नहीं अभी तक क्योंकि मेरा मॉर्निंग गुड हुआ ही नहीं। चलो बाय बाय। बज चुका है, नींद तो पूरा हुआ नहीं, नींद नहीं पूरा होने की वजह से ना सर भारी भारी लग रहा है। अभी बाहर भी जाना, फिर ब्रश किया हुआ, चाय पी के, अब फिर पता नहीं कब वापस आऊँगा। तो चलिए देखते हैं और मिलते हैं आगे, बाय बाय। चाय क्या चाहिए बता दीजिए, आधा घंटा हम सब लेके आते हैं। ये लाने गया था सुबह सुबह टंकी का पानी निकालने के लिए, और इतना ज़्यादा गर्मी है, अब समझ में नहीं आ रहा ना कि लाइट क्यों काटे हुए घर का। ये बिजली ऑफिस वालों के पिछवाड़े में कीड़ा काटते रहता है ना, ये तो अलग ही लेवल का, समझ में नहीं आता। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी इन लोगों को कुछ होता है, और इन सब के बीच में परेशान आप और हम जैसे लोग होते हैं। मतलब सुबह से 11:30 होने वाला, कुछ खाया तो हूँ नहीं, खाया नहीं हूँ तो डेफिनेटली कि नहाया भी नहीं हूँ, और पसीने से भीग के ज़रूर नहा चुका हूँ, पसीना से नहा चुका हूँ। वो कहते हैं ना कि पानी से जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं किस्मत बदलते हैं। साला इस पसीने से नहा के किस्मत भी नहीं बदलने वाला, पसीने से नहा के भी अब किस्मत नहीं बदलने वाला, बस रीज़न है यही, ये गर्मी, ये जो इतना गर्मी कर रहा है ना, क्योंकि जब इतने पसीने से आप थोड़े से टाइम में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में ही आप इतने पसीने से नहा लोगे तो काम क्या करोगे। ये गर्मी आप कुछ करने ही नहीं देगा तो किस्मत कैसे बन लोगे। खैर देखो, आज तो नींद भी अधूरा है और आज समय भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फ्री तो अब सीधा शाम में, शाम के पहले कोई उपाय भी नहीं है फ्री होने का, तो नींद भी आज रात में ही पूरा होगा। दया रहा तो लाइन वाले का और थोड़ा बहुत भगवान का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी कर रहा बर्दाश्त के बाहर। खैर चलो मैं चला, देखते हैं क्या होता है और ये लाइट कब आता है। मेरे आया हूँ ताज़ा ताज़ा सब्जी साग, और ये पालक, पालक का साग। शायद मेरा बैग भी मिट्टी मिट्टी हो गया है, लेकिन एकदम फ्रेश फ्रेश निकाला हुआ खेत, मिट्टी अभी लगाई हुआ है, और ये जस्ट कबाड़ के मेरे लिए स्पेशल मिला ही।
फ्रेश सब्जियाँ मिल जाए तो खाने का मज़ा ही कुछ और। फ्रेश फ्रेश सब्जी बहुत फायदेमंद भी है। चलो मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए बाय बाय। अभी तो 12 बज गया और घर आ रहा हूँ। तब तक मैं भी कुछ खा पी। नहा के मूड फ्रेश करके इतनी गर्मी में इतने धूप में फिर से जा रहा हूँ मूड को ऑफ करने। सुबह से बस खाने का और अभी नहाने का फुर्सत मिला और अभी 1 बजने वाला है। खैर क्या करें, चलते हैं। बाइक ना होने की वजह से एक और काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये पानी निकालने का, इसमें से जो आज ये भी ख़त्म हुआ और पानी पानी करके रख दिए इसने, बहुत ही पानी जमा हुआ था। अब ये भी ख़त्म हो जाएगा तो एक और टेंशन ख़त्म। फिर ओकरे में चल जाता है। ये हुआ आज टाइल्स का काम, एक रूम लगभग कंप्लीट हुआ, अभी स्टार्टिंग नहीं लगा है। ये भी ख़त्म हो जाए बस। गर्मी इतनी है, इंसान पेड़ पौधे सबका हालत ख़राब है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ये देखो पहले कि सुबह ताज़ा था ये साग, और मुझे जल्दी थी तो मैंने फ्रिज में इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें मिट्टी अभी भी लगी हुई थी दोनों में, ये पालक का साग है और ये ग्रीन साग। और अभी इसका हाल देख लो, हाल बेहाल, ये देखो सूख चुका है, मुरझा चुका है, ये हाल है घर में रह के साग का। तो जो दिन भर बाहर रहेगा उसका क्या हाल होगा, इसलिए अपना भी ध्यान रखे, खाते पीते रहे बढ़िया से, वरना हेल्थ का तो लगेगा ही लगेगा, कुछ नहीं किया जा सकता। खैर गर्मी कब तक रहेगी पता नहीं, लेकिन हमारा हेल्थ हमारे हाथ में, कैसे बचा के रखें और कैसे बढ़िया से रखें, तो ध्यान दे हेल्थ पे। आखिर मिलते हैं हम लोग आगे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।